लेकिन आइए अब बात करते हैं गेमिंग एडिक्शन की। मोबाइल पर जो बच्चे गेम खेलते हैं, आपको तो बड़ा आसान रहता है, कोई बच्चा शोर मचा रहा है, खट से आपने मोबाइल थमा दिया। बच्चों को मोबाइल देकर कई लोग कभी नहीं देखते हैं कि उनका बच्चा दरअसल मोबाइल में कर क्या रहा है, कौन सा गेम खेल रहा है। अब ये लापरवाही ही है जो कि कुछ मामलों में जानलेवा हो जाती है। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देखेंगे, ये राजस्थान के अलवर की हैं। आप देखिए स्क्रीन पर, जब ये बच्चा आएगा तो आपको दिखाई देगा कि वो किस तरीके से कांप रहा है, उसके हाथ जो हैं वो हिल रहे हैं, कंधा हिल रहा है। दरअसल ये इसलिए हुआ है क्योंकि ये बच्चा पिछले 6 महीने से हर रोज पबजी और फायर जैसे गेम खेलता था। उसमें जब यह हारने लगा तो मानसिक तौर पर इसकी स्थिति बिगड़ने लगी। अब यह अलवर के गेमिंग डी एडिक्शन कैंप में लाया गया। गेमिंग डी एडिक्शन सेंटर का नाम सुनकर आप चौंकिए मत, हमारी आपकी लापरवाही की वजह से यह बच्चा यहां पर पहुंचा। इन्हें गेम की लत लग गई। आइए अब आपको सुनाते हैं कि ये जो सेंटर है, यहां पर बहुत सारे लोग जो हैं वो लाए जाते हैं, और इस गेमिंग सेंटर में जो गेमिंग डी एडिक्शन करा रहे हैं उनका दरअसल ये कहना है, वो दरअसल ये कहते दिखे कि अब इसको हम कुछ गेम खिलाएंगे जिसमें इसको जीतता हुआ दिखाएंगे, तो जब ये बच्चा जीतेगा तो हो सकता है इसका कॉन्फिडेंस वापस आए। आप सोचिए कितनी बुरी स्थिति में, ऐसे हाथ वाथ हिल रहा है, ये स्थिति हो गई है इस बच्चे की। ये आपकी और हमारी लापरवाही की वजह से। ऐसे गेम को ऑनलाइन करने वाले, लेकिन अब ये एक दूसरा पहलू भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जो गेम है इसको ऑनलाइन करने वाले लोगों की जिंदगी बर्बाद हो रही जो ऑनलाइन इस गेम को खेलते हैं। और वहीं गेमिंग इंडस्ट्री के लोग ये कहते हैं कि सरकार GST बढ़ाकर 28% कर रही है, जो कि गलत है। एक बार ये गेमिंग इंडस्ट्री वाले अपने मुनाफे के आगे गेम का दुष्प्रभाव भी जरूर देख लें, जो कि इन तस्वीरों में देखने को मिलता। सोचें कि क्या उन गेम्स को ऑनलाइन हटाया नहीं जाए जो बच्चों के मानसिक स्थिति पर इतना बुरा असर डालते हैं। गेमिंग से बच्चे बर्बाद हो रहे हैं और आप 28% GST को लेकर के रोना रो रहे हैं, सोचिएगा जरूर। हमारे बौद्धिक दिव्यांग विशेष आवासीय विद्यालय अलवर में एक बच्चा आया है, जो हमने असेसमेंट किया है उसके अनुसार और परिजनों के कहने के हिसाब से बच्चा पबजी और फ्री फायर जैसे घातक गेम का शिकार हुआ है। और बच्चे ने वाईफाई कनेक्ट करके पड़ोस से लेकर और बच्चे ने इस गेम का इस्तेमाल किया है, और बच्चे ने इस गेम के अंदर हार हासिल की है। और ये गेम ऐसा है कि इसके अंदर अगर किसी भी व्यक्ति की हार होती है तो हार बर्दाश्त नहीं होती है, वो या तो सुसाइड करता है या फिर वो अपने शारीरिक मानसिक संतुलन खो बैठता है।